कट कर लिया है, 4 से 5 आलू है। और इसके लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स लिया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लेक्स होगा। और ये 2 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड आलू को गर्म कर लिया है कढ़ाई में। और फिर थोड़ा सा अब ये लुक कम हो गया, अब मैं इसमें आलू को पहले थोड़ा 3-4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी कॉर्नफ्लेक्स लगा के। देखिए निकाल रही हूँ आलू, में थोड़ा कोट कर रही हूँ। देखिए कॉर्नफ्लेक्स लगा हुआ आलू बहुत ज़्यादा नहीं चिपका है, फिर भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। इसको उल्टी बिट फ्राई कर लूँगी, फिर तो कोट में थोड़ा हल्दी भी डालते रहेंगी और नमक चालू का। प्याज पक गया है, अब मैं इसमें टमाटर और अदरक छोड़ रही हूँ। थोड़ा सा हरी प्याज 1 टुकड़ी भून जा रहा है। अब थोड़ा टमाटर गल जाए फिर इसमें हम आलू छोड़ेंगे। हमारे टमाटर डालने के बाद अब टमाटर भी पक गया है, अब इसमें हल्दी आधी हरी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हींग, और हमने प्याज भी छोड़ दिया। मसाले में अब हम आलू छोड़ रहे हैं, आलू के मसाले में, आलू की सब्जी के मसाले में। ठीक है, मैं पर आलू छोड़ दिया। अभी थोड़ा सा पानी भी छोड़ रहे हैं गिलास से। सब्जी में स्वाद अनुसार हम नमक छोड़ने जा रहे हैं। सब्जी में पानी छोड़ दिया है, आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा, बट इसको हम ग्रेवी की तरह नहीं बना रहे हैं, कुछ लुपट्टा सा बना रहे हैं। बिल्कुल मसाले में आलू बिल्कुल बची बची सी रहेगी। अब इसमें हम धनिया छोड़ रहे हैं, अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।